खराबियों को देखते हुए एनआईए ने आज एक बड़ा पर्दाफाश किया है। यहाँ से कई लोगों को जो संदिग्ध हैं उनको उठाया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जहां एनआईए और यूपी एटीएस की टीम ने आईएसआईएस के नए मॉड्यूल की कमर तोड़ने के लिए पश्चिमी यूपी में आतंक के खिलाफ धावा बोला। एनआईए और एटीएस करीब करीब 16 जगहों पर छापेमारी कर चुकी है और ये छापेमारी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रही है। वेस्ट यूपी में अगर बात करें तो हापुड़, अमरोहा और मेरठ में ये छापेमारी की गई है और यहाँ से कई लोगों को जो संदिग्ध हैं उनको उठाया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है और कुछ की गिरफ्तारी की पुष्टि भी जो एटीएस है उसने कर दी है। 16 सस्पेक्ट्स को डिटेन किया गया पूछताछ के लिए, उसमें से इनिशियल शुरुआती पूछताछ के बाद 10 लोगों को अरेस्ट करने का निर्णय लिया है हमने। बाकी जो सस्पेक्ट हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और जैसा आगे डेवलपमेंट होगा उसके हिसाब से कुछ और भी गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। एनआईए की टीम ने इस्लामिक स्टेट के नए मॉड्यूल हरकतुल हरबे इस्लाम के संबंध में दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 16 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे। इस ऑपरेशन में उत्तर प्रदेश के अमरोहा से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त खड़ा हूँ अमरोहा के नोगावा सदा थाना इलाके के सैदपुर इम्मा गांव में, जहां पर एनआईए की टीम ने छापामारी की है और सुबह तड़के से ही ये एनआईए की टीम यहां पर पहुंच गई थी और दिल्ली सहित पश्चिमी यूपी के कई जिलों में एनआईए की छापामारी है। एनआईए ने दिल्ली और यूपी की 17 लोकेशंस पे सर्चेस की हैं यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की एक्टिव सपोर्ट से। ये सर्चेस एक आइसिस इंस्पायर्ड मॉड्यूल जो डेवलप हो रहा था, जो बॉम्ब बनाने की एडवांस स्टेज पे थे, जिन्होंने कई वेपन्स प्रोक्योर कर लिए थे, उनके ऊपर किया गया है। उस मॉड्यूल पे 6 लोकेशंस हैं दिल्ली में सीलमपुर इलाके में, 6 लोकेशंस हैं अमरोहा में, इसके अलावा हापुड़ जिले में, लखनऊ और मेरठ में भी सर्चेस की गई हैं। अमरोहा के अलावा हापुड़ से मस्जिद के इमाम शाकिब को हिरासत में लिया गया है और मेरठ, गाजियाबाद, शामली और दिल्ली में भी कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। हापुड़ के सिंभावली इलाके से एक मस्जिद के मौलाना को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा अमरोहा के नौगावा सादा थाना क्षेत्र के गांव से जो है तकरीबन 4 से 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे की लगातार पूछताछ चल रही है। दरअसल ये सभी आईएसआईएस के मॉड्यूल पर काम कर रहे थे, ऐसी जानकारी मिल रही। इन सर्चेस के दौरान काफी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला है, कई वेपन्स रिकवर किए गए हैं और एक कंट्री मेड रॉकेट लॉन्चर भी रिकवर किया गया है। लगभग 7.5 लाख रुपए कैश में रिकवर किए गए हैं, 100 के आसपास मोबाइल फोन्स, 135 के आसपास सिम कार्ड्स, कई लैपटॉप, मेमोरी कार्ड्स और इस तरह की अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज की गई हैं। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के पैर पसारने को लेकर अलर्ट जारी किया था और पुलिस लंबे वक्त से इस मॉड्यूल के पीछे काम कर रही थी, जिसके बाद एनआईए ने खुद कमान संभाली और यूपी एटीएस के साथ मिलकर आतंक के नए मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों में छापेमारी की है और कई लोगों को हिरासत में लिया है। खासकर एनआईए ने दावा किया है कि उन्होंने एक नया मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। उस मॉड्यूल का नाम है हरकत उल ए इस्लाम, जो उत्तर प्रदेश के अमरोहा, हापुड़ और दिल्ली के पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में लोग इसके वहां मौजूद थे। जाहिर है कि एनआईए का मिशन बगदादी तब तक जारी रहेगा जब तक चुन चुन कर आतंक का सफाया नहीं हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और इस पूरे मामले पर एनआईए के आईजी यानी कि आलोक मित्तल ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। हमारे संवाददाता कुमार पुष्कल ने खास बात की।